हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैशन ऑफ जॉय। मैं हूं गार्गी और आज मैं लेकर आई हूं अगेन साड़ी ट्रैपिंग इजी फॉर बिगनर्स। तो यहां मैं सिर्फ साड़ी ट्रैप करूंगी एंड सिंपल वे में। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक साड़ी एंड कुछ पिन एंड कुछ क्लोथ पिन, ताकि मैं पल्लू को अच्छे से ट्रैप कर सकूँ। क्लोथ पिन से काफ़ी अच्छे से इजीली ट्रैप हो जाता है, और पिनअप से हम बार बार लगाते हैं तो बहुत बार साड़ियों में क्रश हो जाती है एंड होल हो जाते हैं, जिससे साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो क्लोथ पिन काफ़ी बेस्ट रहेगा सिल्क साड़ी के लिए। सिल्क साड़ी में काफ़ी होल्स ना हो, तो इससे हमारी साड़ी भी सेफ होगी एंड उसमें वो बहुत ही महीन वो जो आरी का काम होता है वो निकले ना। इससे हम क्लोथ पिन का ही यूज करेंगे और सेफ्टी पिन का नहीं यूज करेंगे। और इस तरीके से मैं प्लेट्स बना लूँगी अच्छे से हाथ से। तो मैं इसी तरीके से प्लेट्स बनाती हूँ अपने कंधे पर रख करके एंड ईजिली। और सिल्क साड़ी को आयरन, आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं एंड अगर हाथ से चाहे तो आप हाथ से भी इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ बैठा रही हूँ, अच्छे से इस तरीके से आप बैठा लें एंड क्लोथ पिन को वहाँ पर एडजस्ट कर लें। तो जितनी भी आपको लंबाई रखनी है, चौड़ाई रखनी है, आप उस तरीके से अपनी प्लेट्स को रख सकते हैं। अगर आपके पास क्लोथ पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, बट क्लोथ पिन तो आई थिंक सबके घरों पर होगी, हमारे काम ही आती है तो इजली सबके घर अवेलेबल होती है। तो क्लोथ पिन का ही यूज़ करेंगे, जिससे आपकी प्लेट सरकेगी भी नहीं और काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं हाथ से अपने प्लेट्स बना लूँगी एंड इस तरीके से हमारी प्लेट्स में और सिलवट भी नहीं आएगी और इजली एकदम इक्वली बराबर आपकी प्लेट्स भी बन जाएगी। आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं बिगनर्स के लिए। आप अगर साड़ी में आपको पहनने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई भी साड़ी आप लो तो एक बार में पहनी नहीं जा सकती, कई बार ट्राई करना पड़ता है। हम लोग भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है, सबके साथ प्रॉब्लम्स आती है। कभी कभी साड़ियाँ, कोई कोई साड़ी ऐसी होती है कि एक बार पहनने में फ़िट होती ही नहीं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप भी साड़ी ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई करते रहे, परफेक्ट साड़ी आप ज़रूर पहन पाएंगे अगर आप ट्राई करते रहेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कई बार पल्लू कभी छोटा कभी बड़ा, या कभी आगे की प्लेट्स नहीं बन पाती, या पल्लू की प्लेट्स कई बार छोटी बड़ी हो जाती है, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। गाइस डोंट वरी, तो टेंशन ना ले एंड साड़ी को हमेशा ट्राई करते रहें, ज़रूर आप एक दिन परफेक्ट साड़ी पहन पाओगे। एंड यहाँ मैं कमर के पास से टक कर लूँगी खींचते हुए, जितना मुझे पल्लू लेना है मैं अपने कंधे पर रख लूँगी उसे एंड फिर कमर के पास ऐसे खींचते हुए मैं ले आऊँगी। तो बॉर्डर को मैं यहाँ एडजस्ट कर लूँगी मेरी एंड मैं एक सिलवट लेकर के ऐसे प्लेट्स बना लूँगी, क्योंकि सिल्क की साड़ी है तो काफ़ी चौड़ी भी होती है ये साड़ियाँ। तो इस तरीके से मैं एक प्लेट्स बना लूँगी और इसे टाइटली खींचते हुए यहाँ पर एक सेफ्टी पिन से एडजस्ट कर लूँगी एंड अब मैं आगे की प्लेट्स बनाऊँगी। मैं आपको जिस हैंड से सूटेबल हो आप उस हैंड से बना सकते हैं, मैं हमेशा ऐसी प्लेट्स बनाती हूँ। मैंने आपको कई बार ट्रैप करके दिखाया भी है एंड अगर और बाकी ट्रैपिंग वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने और भी कंटेंट है, आप मेरे वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। एंड गाइज अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक लाइक करते जाओ एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, रेड बटन है साइड में, आप वहाँ से जल्दी से क्लिक करके उसे ग्रे कर दो और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। तो फटाफट जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और प्लेट्स, साड़ी की प्लेट्स को भी अच्छे से फिट कर लो। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं अपनी प्लेट्स को पहले से एडजस्ट करके, उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ताकि आप साड़ी को कैसे आयरन करके पहन सकते हैं। इस तरीके से मैं नीचे की प्लेट्स को क्लीन करते हुए मैं बीच में हाथ रख लेती हूँ और नीचे की तरफ ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो आप हेल्पर की भी मदद कर ले सकते हैं, सॉरी ले सकते हैं। एंड अब मैं ऊपर की प्लेट्स को एडजस्ट करते हुए, ये क्लोथ पिन को निकालते हुए अच्छे से मैं एडजस्ट कर लूँगी अपनी पल्लू को ऊपर की।
तो यहाँ मैं हाथ से फिनिशिंग करती हूँ, मैं अपने प्लेट्स को क्लीन अप कर लूँगी। एंड तो मिलते हैं नए लुक के साथ। तो देखो ये मेरा नया लुक। तो यहाँ मैंने सिंपल वे में मैं रेडी हुई हूँ, एक थोड़ा सा देसी लुक देने की ट्राई किया है मैंने। तो यहाँ मैं स्लीवलेस ब्लाउज रेड कलर का पहनी, मेरे पास का स्क्रीन थोड़ा का ब्लाउज होता तो यहाँ पास मेरे पास रेड स्लीवलेस ब्लाउज था, तो उसके साथ मैंने ट्राई किया। एंड मैंने सिंपल मेकअप किया है, बस आईलाइनर, एक बैंगल्स एंड छोटे से इयररिंग्स एंड जूड़ा। तो आप इस भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।